दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ब्रिज को जरूर देखा होगा या पार किया होगा, और आपने गौर किया होगा कि कुछ ब्रिज सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं तो कुछ लकड़ी के। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना हुआ हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने सीमेंट कंक्रीट या लकड़ी से नहीं बल्कि स्टील से बनाया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हुगली नदी पर बने हुए इस पुल में नदी के बीच एक भी खंभा नहीं लगाया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2150 फुट लंबा ये ब्रिज बिना किसी खंभे की अपनी जगह पर टिका हुआ है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज को ठीक 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया जाता है, जो इसे काफी मिस्टीरियस बना देता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो वहां के लोकल लोगों को भी नहीं पता होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़े एक ऐसे मीथ से रूबरू कराते हैं जो एकदम झूठ है, और कहा जाए तो बहुत मजाकिया भी है। बचपन में आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे किस्से कहानियां तो जरूर ही सुनी होंगी कि जब भी कहीं नया पुल बनाया जाता है या नया तालाब खोदा जाता है तो उस जगह पर रहने वाली आत्माएं किसी इंसान की बलि मांगती हैं। अगर उन्हें ये बलि नहीं दी जाती तो वो नाराज हो जाती हैं और वो पुल जल्दी ही टूट जाता है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई लोगों की बलि दी गई थी जिससे कि नदी की आत्माएं खुश हो सके और ये ब्रिज कभी ना टूटे। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारी कहानियां सच्चाई से काफी दूर है और असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था। पुराने समय में ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए या लोगों में नदियों के प्रति खौफ जगाने के लिए ही फैलाई जाती थी। 1943 में बनकर पूरा होने के बाद हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल और कोलकाता की शान रहा है। इस ब्रिज ने कितना कुछ देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस ब्रिज ने 1945 में होने वाले दूसरे विश्व युद्ध की बमबारियों को भी झेला है, और जब से देश आजाद हुआ तब से देश के विकास में जमकर योगदान भी दिया है। कोलकाता की शान माना जाने वाला हावड़ा ब्रिज इतना फेमस है कि जब भी हम इस शहर के बारे में सोचते हैं तो इस ब्रिज की इमेज हमारे सामने अपने आप आ जाती है। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इस ब्रिज का नाम असल में हावड़ा ब्रिज है ही नहीं। अंग्रेजों के जमाने में तो इसका नाम हावड़ा ब्रिज ही रख दिया गया था, पर 14 जून 1956 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया, और ये नाम महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड था। हालांकि इसे आज भी दुनिया हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानती है और पहचानती भी है। अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से ठीक 12 बजे ब्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। इस सवाल का जानने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब इस ब्रिज को बनाया जा रहा था। उस समय जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने ही ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात की थी। दरअसल ब्रिज बनाने वाले इंजीनियरों ने ऐसी चेतावनी दी थी कि अगर इस ब्रिज को 12 बजे नहीं बंद किया गया तो ये ब्रिज टूट कर गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रिज को दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे। अब क्योंकि लोगों के अंदर पुल टूटने का डर भरा हुआ है तो जब भी कभी घड़ी में 12 बजते हैं तो ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक कम हो जाता है। कुछ लोगों की माने तो उनका दावा है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जिसे अंग्रेजों ने अभी तक भारतवासियों को वापस नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुल में भला चाबी का क्या काम। तो आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज शानदार निर्माण का एक उम्दा उदाहरण है। अंग्रेजी इंजीनियरों ने पुल को इस तरीके से आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया था कि अगर कभी नदी से दो बड़ी बड़ी नाव गुजर रही हो तो उस चाबी की हेल्प से पुल को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा जा सके, और नाव के चले जाने के बाद फिर से ब्रिज को पहले कंडीशन में लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक इस चाबी वाली घटना का कहीं कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, तो इसे हम भी एक अफवाह ही मान सकते हैं। खैर, ये सब तो हुई इस पुल से जुड़ी अफवाहों की बात। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो अंग्रेजों ने इतना शानदार पुल बनाया। तो आपको बता दें कि सन 1871 के पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था जिससे अंग्रेजों को एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन फिर सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट के आने के बाद इन दोनों जगहों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक पीपा का पुल बनाया गया। इस पीपे वाले पुल की कुल लागत करीब 22 लाख रुपए आई थी। सन 1906 में हावड़ा ब्रिज रेलवे स्टेशन बनने के बाद इस पुल पर आवागमन बिल्कुल बंद सा हो गया था। अब इसकी जगह एक तैरने वाले पुल बनाने का विचार आया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से इसे भी ड्रॉप करना पड़ा।
पर साल 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन की स्थापना के साथ इस ब्रिज के निर्माण कार्य में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली और ब्रेथवेट बर्न्स एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों हावड़ा ब्रिज की ये खूबी भी इसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा देती है, जो है इसका बिना बीच के खम्भों का डिजाइन। इसे देखकर लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं कि आखिर ये पुल टिका हुआ कैसे है। दरअसल इस पुल को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया है। पुल के दोनों तरफ 280 फीट ऊंचे खम्भे लगाए गए हैं। इन खम्भों पर ही पूरे पुल का वजन आ जाता है और ये खम्बे इस पुल को स्थिरता प्रदान करते हैं। अंग्रेजों की यह सख्त मांग थी कि नावों के आसानी से निकल जाने के लिए पुल के नीचे पिलर नहीं होने चाहिए, इसीलिए इंजीनियर्स ने पुल का ऐसा डिजाइन चुना कि वजन लेने वाले दो खम्बे के आपस की दूरी 1500 फीट है। इस पुल से जुड़ी एक और चीज जो सबको हैरान करती है वो ये कि इतने बड़े पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्टील को आपस में जोड़ा कैसे गया होगा। चलो इसका राज भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इस ब्रिज में स्टील की कांटियों का प्रयोग किया गया है जिन्हें रिवर्ट्स कहा जाता है। इन रिवर्ट्स को स्टील की दो प्लेट्स में छेद करके दोनों प्लेट्स में डाल दिया जाता है और फिर किसी भारी हथौड़ी से ठोक कर इनके सिरों को चिपटा कर दिया जाता है, जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम हावड़ा ब्रिज की बात करें तो ये एक कंटिलीवर ब्रिज है। जब ये बनकर तैयार हुआ था तो ये अपने जैसा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था, मगर अब ये खिसक कर छठवें पायदान पर पहुंच गया है। इसकी कुल लंबाई 2150 फीट और दोनों पोस्ट के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई तो केवल टाटा स्टील्स ने की थी। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है कि यह पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हुआ कुछ यूं था कि जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध को झेल रही थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सेना ने बिना उद्घाटन किए इस ब्रिज को इस्तेमाल करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और कभी भी इसका उद्घाटन नहीं किया गया। तो दोस्तों ये थे हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और 12 बजे हावड़ा ब्रिज के बंद होने के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।